सिर्फ इतना कहूंगा कि अब ये उभार प्रथम चरण तक नहीं रहेगा, ये दूसरे चरण में जाएगा, तीसरे चरण में जाएगा, और 10 नवंबर को एक लोकोन्मुख प्रगतिशील रोजगारोन्मुख सरकार बिहार को हासिल होने जा रही है। एक दो और छोटी टिप्पणी करके फिर मैं अपने सहयोगियों को दूंगा। चुनाव जीत जाएंगे 10 नवंबर को, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री तब भी होंगे। आज उन्होंने कुछ बातें कही, अब कमीशनखोरी की बात की, मैं तो समझता हूं कि शायद तंज कर रहे थे नीतीश कुमार जी, क्योंकि थाने ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक यहां तो एक कागज मूव नहीं करता है, एक टेबल से दूसरे टेबल तक, उनके मुंह पे ही सुना है, उनके मुंह पे ही कहा गया कि जो भी काम हुआ 3 साल में ही हुआ, यानी 12 साल नीतीश जी के पानी में खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाल दिए। अब घोटालों की बात कर रहे थे, खुद पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी 35 घोटाले गिना के गए थे और 25 बाद में नीतीश जी की सरकार ने स्वयं जोड़ लिया उसमें, तो कुल जमा 60 घोटाले। उन्होंने मांझी जी का नाम लिया, मांझी जी ने तो एक घोटाला जो बिहार के लोग जानते थे उसको हर जगह लोकप्रिय करवाया, वो परियोजनाओं के एस्टीमेट का घोटाला था कि कैसे एस्टीमेट में बदलाव करके मूछ वाले तोंद वाले चूहों की मदद हुआ करती थी। तो मेरा सीधे तौर पर कहना था, जब कब लॉ एंड ऑर्डर की भी बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, एनसीआरबी का आंकड़ा तो उनके पास आता होगा, एक बार उसकी पड़ताल ना हो, या जो स्क्रिप्ट राइटर है माननीय प्रधानमंत्री जी के वो सेल्फ गोल करवाते रहते हैं मुझसे। और मैं आखिरी बात कहूं कि कोई भी बिहारवासी मुजफ्फरपुर के बच्चियों की चित्कार को नहीं भूलेगा, वो गूंज रही है, पता नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच नहीं पा रही है या उनके इकोसिस्टम को छेद नहीं कर पा रही है। पलायन के दौरान जो बिहार ने पीड़ा देखी, हर बिहारी आहत हुआ, हर बिहारी आहत हुआ, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। लबो लुभाव यह है कि प्रधानमंत्री जी की बातें, संभवतः कई लोग ये भी कहते हैं कि 4 अलग अलग गठबंधनों में किसी न किसी प्रकार रह करके बीजेपी ये तय कर रही है कि नीतीश जी के अवसान का स्क्रिप्ट वो स्वयं लिख दे। आखिरी में फिर से मैं धन्यवाद दूंगा प्रथम चरण के मतदाताओं को और ये कहूंगा, आपने जो स्नेह दिया, भारी जन समर्थन दिया, वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में आज शाम से ही पहुंचना शुरू हो गया है और ये हम सब के लिए एक बेहद खुशी का अवसर है कि हम सब महागठबंधन के लोग जमीन पर जिस तरह हमने काम किया, जन उभार के पक्ष में जिस तरह खड़े रहे, परिवर्तन 10 नवंबर को निश्चित है।